अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अली फ्रॉम अली बाबा ट्रैवल एडवाइजर। मेरे साथ आज मौजूद हैं मोहम्मद नदीम साहब, और ये आज आए थे अपना पासपोर्ट कलेक्ट करने के लिए। यूके की एप्लीकेशन सबमिट की हुई थी फ्रेश पासपोर्ट पे, और पासपोर्ट इन्होंने रिसीव किया है। इनका यूके का वीजा जो है वो ग्रांट हो गया है। ये पासपोर्ट आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश है, पहला पासपोर्ट है, कोई वीजा नहीं लगा हुआ, कोई भी वीजा नहीं लगा हुआ। ये सिर्फ एक यूके का वीजा इनका लगा है, और बाकी आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश है, किसी भी कंट्री का ट्रैवल नहीं किया हुआ। तो नदीम भाई आज पासपोर्ट लेकर आए हैं और बहुत खुश हैं, और इनके साथ हम बातचीत करेंगे, थोड़ी सी प्रोफाइल डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा इनसे गपशप लगाएंगे, पूछेंगे हमारे साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, करना क्या चाहते हैं मजीद आगे, और कहीं घूमना फिरना और भी है या नहीं घूमना, ये भी बताएंगे। नदीम भाई की हाल है? ठीक हो? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का सर, तुझे सुनाओ। ठीक है। तो यार वीजा कितने दिन बाद आया? ये सर ओनली 20 डेज दे विच आ गया अभी। ओनली 20 डेज हाँ दे जी, विच आ फैसलाबाद गया। तो तुसी कितों आए हो? फैसलाबाद तो आए हो, तो फैसलाबाद की काम कर रहे? फैसलाबाद साडा काम हैगा वा, कपड़े दा भी आ ते एक बफलो शाकी होम सोन हैगा, ओदा भी हैगा। वो बाहर दे ओ मुल्क क्यों भेजे, होंदा बफलो शाकी होम सोन? वो पतोजड़ा हुंदा वा पोचरी दे नाल हुंदा पतोजड़ा, के चलाटरा उसदा काम है। अभी अच्छा, स्वेटर होता काम। ते किन्ना अरसा हो गया काम कर दे? 20-25 साल हो गया था काम कर। 20-25 साल हो गया काम कर दे, लेकिन तुहाडे नाते है कंपनी है या तुसी बिजनेस अपना, कदों रजिस्टर कदों कराया सी? ये 11 साल हो गए। 11 साल पहले रजिस्टर हाँ जी, कराया सी। ते हुन तुसी माशाल्लाह वीजा ते तुहाडा लग गया, हाँ जी, ते किन्ने दिनां वास्ते ट्रैवल करोगे? ये सिर्फ 15 दिन, ओनली 2 वीक बस। तुहाडे कोई उत्थे रिलेटिव है हाँ ने जी यूके? हाँ जी, मेरा ब्रदर है एक। ठीक है। ते उन्होंने कोई इनविटेशन दिता सी कि तुसी नहीं बगैर नहीं इनविटेशन तो होटल बगैर इनविटेशन तो। हाँ बुकिंग ला के वीजा अप्लाई कर दिता जी, सी? बिल्कुल इस टाइम। ठीक है। यूके वाले जदों भी कोई इस तरह की कोई गलबात होनी है, पूछते हैं कि स्टेटमेंटा दो दो चला रहे हो कि इको ही चला रहे हो, मेरियां 2-4 रही हैं। हाँ बिजनेस से पर्सनल दो ही चला रहे हो, जी, अकाउंट ते अकाउंट किन्ने बनाने हैं? हैगा, एक हैगा 5 साल पुराना ते एक हैगा वा 11 साल पुराना। अच्छा ठीक है। ते कभी इस तो पहले कोई वीजा रिजेक्ट होया तुहाडा? नहीं, कभी भी रिजेक्ट भी कभी नहीं, कोई नहीं। वीजा नहीं सी होया? ते तुसी जेड़ा ना ए हुन ट्रैवल ते करके आओगे, उस तो बाद भी कोई इरादा है किसी पासे मैं जाके जाना ट्रैवल जी तुहाडे को करना? यूएसए का लोना, जब दोबारा हक तुहाडे को प्रोफाइल बना के यूएसए जाना इंशाल्लाह। यूएसए जाना है, तो तुसी हुन किसी पासे जाके रुकना तो नहीं ना? तो नहीं, हाँ मैं तो सारे नु यही कहना कि वीजा लुआओ, लेकिन जाके रुको ना किसी पासे। जी, ते फैसलाबाद दी आवाम नु ते स्पेशली फिर पाकिस्तान की आवाम को की कहना चाहोगे? मैं जी जेडे फैसलाबाद वाले मेरे दोस्त जिन्हें भी हो, मैंनू देख भी रहे होणगे, तुहाडा उन्होंने चैनल भी सब्सक्राइब किया है, तो मैं उन्होंने सारे नू कहना वा तुसी अली साहब को आओ, ट्रैवल अली बाबा एडवाइजर। ट्रैवल ते, हाँ जी ए सदीक सेंटर सेकंड फ्लोर दे उत्ते है, ते तुसी इन्हां को आओ, तुसी भी अपना फाइल लैके आओ ते इन्हां को वीजे लवाओ, ये बड़े अच्छा काम कर रहे हैं। ते जिन्हें मेरे दोस्त मैंनू देख रहे हैं, अली साहब नू देख रहे हैं, उन्होंने सारे अगे गुजारिश आ कि वो लाहौर आके इन्हां दे कोल फाइल अपनी तैयार करवाओ, बहुत अच्छा इन्हां दा नेटवर्क है और बहुत अच्छा काम करते हैं। अच्छा, दूसरा मैनू यह दसो कि टैक्सियां रिटर्नां लाइयां सी एप्लीकेशन च? हाँ जी, लगी है। साडियां टैक्सियां हाँ रिटर्नां जी, लगियां सी। ठीक है। ते ओ मैच कर दियां सी कि बस इस तरह ही नहीं सी? नहीं वो इस तरह ही सी, मैच नहीं सी कर दी, कोई मैच जिवें नहीं की थी, किसी ने नहीं टैक्स सारी कर दी। एक्सप्लेनेशन दित्ती सी कि जनाब है क्यों नहीं मैच कर रही हैं हाँ साडे, जी या पूरी एप्लीकेशन दे जिन्नियां भी ट्रांजैक्शनां हो रही सी हाँ जी वो सारियां असी एक्सप्लेन कीतियां सी कि इस तरह इस वजह तो हो रही ने, इस वजह तो हो रही हाँ ने। जी, ते ओ
ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭੇਜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪਏ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜੈਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਫਾਈਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਗਏ ਆ, ਅੱਜ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਗਏ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਚਾਰਜਸ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਕੈਨ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਗਏ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਕੈਨ ਹੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਫੀਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਕੈਨਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। A to Z ਸਰਵਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਇਹ ਸਿਆਲ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰੈਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ UK ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਆਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਫੇਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਟਰੈਵਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ, ਇਹ ਸਦੀਕ ਸੈਂਟਰ 2nd ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੋ ਤਮਾਮ ਲੋਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਤੋ ਵੋ ਹਮੇ ਕਮੈਂਟਸ ਮੇ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਨ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਆ ਵੋ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।